सो हेलो गाइस, अभी जो है हमारा ट्रेन जो है सफ़र चल ही रहा है और अभी जो है हम लोग रुके हुए हैं एक स्टेशन पे और लगभग लगभग 8 बज चुके हैं और मैं तो ट्रेन में बैठे बैठे काफ़ी परेशान हो गया क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मेरे को इतना टाइम तक बैठना पड़ा, जिनकी वजह से काफ़ी तकलीफ़ें, पैर तो ऐसे लग रहे हैं जैसे सूज गया हो। और ये ट्रेन है और ये जस्ट सामने में जो है ये हमारा जो है विंडो जो दिख रहा है इसके जस्ट आगे ही हमारा सीट है और भाई जो है वो बैठा हुआ है। मैं थोड़ा सा बाहर आ गया कि आसपास की क्या चीज़ें हैं इसको देखने के लिए और फिर आने की स्टेशन पे भी रुकी हुई है और खाना वाना खाने का भी टाइम हो चुका है, लगभग 8 तो बज ही चुके हैं और बस कुछ इस तरीके की आज की जर्नी है। और एक फर्स्ट टाइम है तो उतना कुछ क्या बोले, मतलब स्टेशन है और ट्रेन के बारे में उतना नॉलेज नहीं है तो ट्रेन अभी चलने को है तो ट्रेन में अभी थोड़ी सी स्टार्ट हो चुकी है और थोड़ा सा नज़ारा जो देखने का था तो अभी तो खैर अभी शाम हो चुकी है तो शाम के टाइम पे वैसे कुछ चीज़ें नहीं है दिखाने के लिए और कुछ इस तरीके की अभी चीज़ें हैं। काफ़ी टाइम भी हो चुका है, 8 बज गए, अभी हमारा तो आज रात भर का रहेगा लगता है मेरे ख्याल से, क्योंकि 10 बजे की ट्रेन थी, 10 बजे के बैठे बैठे अभी थोड़ा सा घूमने के लिए निकला हूँ क्योंकि बैठे बैठे काफ़ी दिमाग तो ख़राब हो ही गया था क्योंकि लंबा टाइम मैंने कभी ट्रेन जर्नी पूरी नहीं की है इसकी वजह से। तो कुछ इस तरीके का है हमारा ट्रेन की जर्नी और कभी कोई चीज़ अगर नहीं हो, जैसे सफ़र तो हमने कभी किया नहीं था तो अचानक ही सारी चीज़ें होती हैं तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है, तो एक ही जगह पर बैठे रहना, एक दूसरे के चेहरों को देखना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली चीज़ है। तो ट्रेन काफ़ी स्पीड से अभी चल रही है जैसा कि देख पा रहे होंगे, एक स्टेशन निकला हुआ है, कोई स्टेशन का नाम होगा तो शायद मेरे ख्याल से इंदौर के आसपास की जगह है अभी ये। और अभी खाना वाना खाने का भी टाइम हो चुका है, शायद कोई मेरा भाई ऑर्डर वगैरह किया होगा तो खाना भी आ जाएगा। कुछ रोटियां रखी हुई थी तो दोपहर में वो नाश्ता किए थे, माँ ने बना के भेजी थी और उसके बाद कुछ नाश्ता था, वो सारी चीज़ें आज हुई है और शाम का टाइम हो गया, ख़त्म हो गया, अभी रात शुरू होने वाली है। तो कुछ इस तरीके की जो है हमारी सीट है और ये बैग वगैरह रखी हुई है और इधर मैं बैठा हूँ आराम से विंडो के पास में। खैर अभी अंधेरा हो चुका है तो कुछ चीज़ें नहीं दिख रही हैं। पेपर पेपर वहां पे जो मिलेगा ना, ना तुम्हारे सोच में है, ना तुम्हारे समझ में है, ना अकल में, कभी सोचा नहीं होगा ऐसा वो सामान मिलेगा, वो ऐसा पानी, तो जैसा चाहो जिस चीज को किसी ने देखा नहीं उसी का नाम होता है दृढ़ विश्वास। देखा नहीं जिस चीज को, ऐसा अभी आप बोलोगे तो बात खुल जाएगा लंबा, सुबह से शाम हो जाएगा, शाम से सुबह हो जाएगा, अंत नहीं होगा। फिर आप बोल रहे हैं तो मैं थोड़ा फिर चला रहा है, बोलिए। हमारे में बोलते हैं स्वर्ग मिलेगा, आपके में बोलते हैं हूर मिलेगा, दोनों किसी ने देखा है क्या? किसी ने किसी कोई एक आदमी आपका या हमारा ला करके दिखा दो जिसने देखा हो, बाकी खत्म। एक भी आदमी वर्ल्ड के अंदर में नहीं है, नहीं है ना? नहीं है।
वो इंसान है वो आज इतना समझदार में आ गए हैं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं सर। किसी ने उनकी हूर देखा है? नहीं नहीं, नहीं। किसी भी धर्म का कोई नहीं देखता है, यहीं पर है। मैं बोलेगा है कि नहीं सब, मैं पूरा साक्षी प्रमाण के साथ बताए, थोड़ा हमको टाइम देना पड़ेगा। आप बीच बीच में सिर्फ याद दिलाना ये हूर कहाँ है, फिर याद मैं दिलाऊं अभी ये हूर कहाँ है, ये मालिक कहाँ है, ये कैसा दिखता है, हर चीज का प्रूफ चाहिए ना, तो हर चीज को याद दिलाना पड़ेगा। आप बोले ना हूर, दुनिया का हूर देखे हो ना आप, हूर नहीं, आपका ये बहक बात है, अपना मन का बहक बात है। आप हूर हो जाओगे तो हूर कहाँ जाएंगे, परी सब कहाँ जाएंगे, परी सब है ना, वो सब फिर दुनिया का परी में देख रहे हो ना कितना सर, छोटा सा ले एग्जाम्पल में दे के जाएगा ये सर बोले तो। हूर के बारे में बस सुन लो, दुनिया का हिसाब, दुनिया में भी ऐसा हूर है उसके लिए पागल हो जा रहा है, उसके लिए दुनिया मिटा दे रहा है, ऐसा ऐसा हूर है कि नहीं सर, दुनिया में भी ऐसा हूर है कि नहीं, उसके लिए पागल हो जा। अगर दुनिया में हमको मानव को इंसान को दिया है इतना, जब बना सकता है क्यों ना बनाएगा, वो रखा नहीं होगा क्यों, यही भरोसा होता है हमारा बायोडाइवर्सिटी कि अगर हमको दुनिया में ऐसा इतना सब चीज बना दिया, वो चीज क्यों नहीं बना गया, तो फिर वो चीज किसके लिए बनाया, जो स्वर्ग नर्क बोले ना, स्वर्ग हमारे इसमें बोल रहे हैं या नर्क आपके इसमें बोल, वो भी एक विचारधारा है धरती में, है कि नहीं भाई, धरती में है ना, तो कौन जाएगा स्वर्ग कौन जाएगा नर्क, वो भी है ना, वो स्वर्ग में क्या है नर्क में क्या है वो तो सब अलग बात है इतिहास, उसको सुनकर विश्वास करना नाम होता है दृढ़ विश्वास। एक होता है सीधा साधा विश्वास, हम देखे तो इनको ये भाई है खड़ा है, ये भाई नहीं है तो इनका नाम से बोले हाँ ये भाई है कि नहीं पता नहीं, लेकिन है रहेगा आदमी जो इनके नाम से, आप चले जाओगे ना आपका नाम रहेगा मेरे दम, मैं जानता है ये नाम है, हाँ ये आदमी है, इधर आप बैठे हो ना मैं देखा हाँ हाँ ये भाई है, एक सीधा साधा विश्वास हो गया। अब जो दृढ़ विश्वास करना है वो ना देख कर करना है, हाँ भाई ये आदमी बहुत है इसमें।